आज हम आए हैं थर्ड वेव, और क्यों? क्योंकि हमने हमें किसने फॉलो किया है, जो कि है हर्ष बेनीवाल, जो नहीं जानते जो है हर्ष बेनीवाल की बहन एंड मिलन बाबा की भाई। और सॉरी, हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है, हेडवॉश हो गया है, आज है फ्राइडे, फ्राइडे का फास्ट है, और आपने पहली क्लिप देख ही ली होगी, बच्चे कितने खुश थे। प्रिया बेनीवाल ने हम लोगों को कल इंस्टाग्राम पे फॉलो किया यार, अब तक उनके कंटेंट हम लोग देखते थे, पसंद है बच्चों को, मतलब लिटरली तनिष्क तो ऐसा हो गया कि एक्चुअली मैं ना इंस्टाग्राम जब ये बात कर रहे थे, मैं मेरा जो है ना आदत है चेक करने की यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे, तो चेक करती रहती हूँ, तो मैंने कहा ये यार किसी ब्लू टिक वाले ने हमें फॉलो किया है, कौन है ये? तनिष्क ने ये मत बोलना प्रिया बेनीवाल, मैंने कहा हाँ यही लिखा हुआ है। हम गए, कई बार होता है जेन्युइन भी नहीं होता वो चीज़, और इतने तनिष्क सबसे ज़्यादा खुश था, फिर शौर्य को बताया, सना को बताया, कुणाल को मैसेज करा स्क्रीनशॉट लेके, बच्चे को लगा पहले गलती से कि गलती से ना हो गया, बट यार बड़ा एक हमारे लिए तो या स्लो हो रहा है, बट एक अच्छी अचीवमेंट हमें लगा, बच्चों को बहुत खुश थे कल, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए ही वो गए थे, वो अपना कोस्टा कॉफ़ी कॉफ़ी वॉफी पीने के लिए, तो क्लिप बना के ले आए अपने आप ही, मैंने कहा चलो आप तो देख ही चुके हो गए, तो इसी अच्छे नोट पे दिन की करते हैं शुरुआत, चलते हैं किचन में, बने रहिए ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए, करते हैं दिन की शुरुआत। बच्चों के घर कैसे है ये? आज इसको पढ़ाई करनी थी, इसका टेस्ट वेस्ट है मैथ्स का, मैम ने टेस्ट भी बोला है, तो आज ये प्रिपेयर करेगी, एक्सटेंडेड वीकेंड है इसका, तो यार अब वही टाइम आने वाला है कि कोर्स खत्म होने वाला है, तो फिर कल सेलिब्रेशन किया प्रिया बेनीवाल। काम हो गया है सारा, तोरी बन गई, रायता बन गया, नहीं रायता नहीं बनाया अभी मैंने ना, बच्चों का मेरे को डाउट था कि पता नहीं दही खाएंगे कैसा खाएंगे, सना तो दाल के साथ रोटी बोल रही है, और तोरी बना चुकी हूँ, आटा वाटा सब गूंद लिया, पूजा का सारा स्थान तय हो गया, बस सिर्फ मेरे को ना इस टाइम चाय की, और ना अब पता नहीं एक बजे तक भूख लग जाती है, पता नहीं ये होता है ना कि पहले होता था एक आराम से बच जाते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बट एक बजे तक अब इस टाइम ऐसे हो गया है कि जैसे वो खोनी पड़ती वैसा सा लग रहा है, सोचूँ थोड़ा फ्रूट खाना शुरू करूँ, तो अब चाय बना रही है मुक्ति, आ गई है चाय, और ये ना मतलब इतना वो लग रहा था चाय के बिना, थैंक यू मुक्ति। आ चुका है कुणाल, और कुणाल प्रिया बेनीवाल क्या लग रहा है आपको कि कैसा कैसा फील कर रहे हो आप, कैसा लग रहा है? पहली बात तो ये हुई कि मेरे को पता ही नहीं चला, मेरे पास सबकी नोटिफिकेशन आ रही है, कोई फॉलो करे प्रिया बेनीवाल वाली आई नहीं नोटिफिकेशन, वो तो चाची ने स्क्रीनशॉट भेजा, मैं तो पागल हो गया, और मुझे कैसे पता चला? सोच कैसे, मेरे को आदत है रात को जैसे चेक करने की यूट्यूब फेसबुक, मैंने कहा ये कोई परी बेनीवाल है, तनिष्क ये मत बोल देना प्रिया बेनीवाल, मैं कहा भाई बेटा देख चेक कर ले, मैंने कहा वेरीफाइड ने किसी ने किया है, उसने देखा तो चीखा मुस्कान को कनाडा फोन कर दिया आके ना वो पागल हो जाएगी, तन्नू को भेजा स्क्रीनशॉट, हम लोग तो बातें करते हैं उसके बारे में इतनी फेसबुक पे जो शौर्य चाची वाले 1 मिलियन पार हो गई है, और एक ही दिन में हमारे मतलब उसपे बहुत कम ग्रोथ हो रही थी, 302 थे उसपे, अब एकदम से 671 हो गए, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब यार वही कल निहारिका को भी मैंने बताया ना, तो कह रही है स्लो हो रहा है दीदी, पर अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, थैंकफुल है हम लोग, तो आज का दिन शुरू करते हैं, तनिष्क तो गया हुआ, आते ही टीवी देखने लग गए हैं, और इसका ना दिवाली प्रिपरेशन चल रही है, बहुत थका हुआ है, कल इसकी है दिवाली मेला, और ये टिकट्स मिली है इसको, बट कह रहा है फैमिली वाले मत जाओ, और हमारे अब सेल कर पाए, एक मिनट, कल क्या है? 26 तारीख क्या है बताओ मेरे को, पता है हाँ, लव एनिवर्सरी चाची, कल मिस्ट्री मैन और मुझे मिले हुए हो चुके हैं 24 साल, मैं तो सोचू सिल्वर जुबली इसी की बना लूं पर कल का दिन मैंने बोला मिस्ट्री मैन को जितने मर्जी बिजी हो, मैं कहा कुछ प्लान करो मेरे लिए, देखते हैं कुछ ना कुछ करेंगे, मेरे को तो जरूर करना, आप सैटरडे बच्चे जाना चाहे तो जाए, नहीं तो मिस्ट्री मैन और मैं तो कन्फर्म लेट नाइट जाए कहीं का, ये दोनों खाने बैठ गए हैं, और चाची जरा उस पर हाथ मार दो चिमनी से जो भी, तो ये देखो अगर आपके घर में दो बच्चे हैं और एक दाल खाता एक दाल नहीं खाता, तो इसको तो दाल के साथ रोटी दे दो, उसके लिए रोटी बना दो दाल वाली, ये निंजा टेक्निक होती है माओ की, क्योंकि दाल तो खानी है, अभी कहता पास्ता बना लूं, मैं कहा नहीं, काफी अभी हमने मेहनत वाला काम करा, आप देखोगे अगर वो सही निकल गई हंस हंस के पागल हो चुकी है, और ये इतना प्यारा हो गया, मतलब लिप सिंक कुणाल बहुत क्यूट लग रहा है, और ये वैसे ही क्यूटी पाया, फटाफट इसकी रील्स को, मेरी रील्स को, हम सबकी रील्स को वायरल करो, पता क्या होता है कोई एक लकी फैक्टर होता है, अगर ये भी वायरल करवा दिया आपने तो मैं सोचूंगी ये कॉमन फैक्टर होगा बीच में, अभी तक मुझे लग रहा है कि हम दोनों की टीम चल, और एक अनलकी फैक्टर भी होता है अगर मैं हुआ नहीं चली तो, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, तो अब पता चलेगा
यहाँ पर बन रही है सना की मैम के लिए कॉफ़ी, और मैंने कहा कॉफ़ी उनको पिला दूँ, और मैं जा रही हूँ मार्केट, फिर से बताती हूँ क्यों। क्योंकि छोटा छोटा कुछ सामान लाना है, पैकिंग लानी है, तो वो पैकिंग सो ले आऊँ ना, पैकिंग सो यहीं से मिलेंगी, फिर रश होता जाएगा जैसे जैसे। एक आधी पैकिंग ले आऊँ क्योंकि संडे कहीं जाने का प्रोग्राम है, बताऊँगी कहाँ जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं सोचूँ तैयारी अभी कर लूँ कल, क्योंकि मिस्त्री मैन कह रहे हैं सैटरडे संडे ना जो वीकेंड्स होते हैं ना रश ज़्यादा हो जाता है, तो अभी जाती हूँ थोड़ी देर पहले वो सामान ले आऊँ, आके दिखाती हूँ आपको क्या लाई हूँ। तो मार्केट अगर कैप्चर कर पाई तो करूँगी, नहीं तो नहीं, बहुत रश होता है, कर पाई तो पक्का करूँगी कि क्या ले रही हूँ क्या नहीं ले रही हूँ, रौनक दिखाऊँगी। अभी लोकल मार्केट जा रही हूँ, वहाँ नहीं जा रही कुछ, कल वहाँ तो समझ ही नहीं आया मुझे कुछ, बाकी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ही दिया, तो सब आपके साथ धीरे धीरे शेयर करूँगी जैसे जैसे। 26 की डिलीवरी दिखा रहा है वो, आ ही जाएगा होपफुली, और अभी तो नेक्स्ट वीक है मेरे पास। आप ऐसे क्यों बैठे हो, ये देख लो मुक्ति, ये भी ना वैक्यूम क्लीनर से हो जाएगी ये दीवार भी, है ना, ऐसे ये निशान तो नहीं पड़ जाएंगे कपड़े से? ये देखो, ये ऐसी चीज़ें लगवा लो, पर मेंटेनेंस इन लोग इनकी बहुत ज़्यादा है, पर ये हमारी गंदी हुई नहीं वैसे ना, 7 साल हो गए पर गंदी नहीं हुई है वॉल ऐसे, तो अच्छा नहीं लग रहा है ये सब आई सुबह ही होते ना मेरा बच्चा। चल बेटा मैं मार्केट जा रही हूँ, मार्केट जा रही हूँ, कुछ लाना तो नहीं आपके लिए? यहाँ ले आई हूँ मैं ग्रीन टी, मेरा मैं वैसे ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, पर मिस्टर मैन कह रहे पी लेते हैं, कॉफ़ी घर जाके पीती हूँ, थोड़ी देर का ही काम है तो चले जाते हैं। सना बिजी थी, सना की मैम अभी जब तक जाएंगी तब तक तो मैं आ ही जाऊंगी, फिर सैर वैर करेंगे, क्योंकि उससे पहले तो वैसे भी नहीं हो पाती, सफाई में लगी हुई है मुक्ति तो पूरी अच्छे से। और अभी वो बंधनवार वगैरह भी लानी है, मार्केट में है तो होगा तो, पर वो मुझे ना एंड में लाने में अच्छा लगता है, दिवाली में वो दिए भी है, और एंड के ना छोटी दिवाली पर सजा लो घर, मुझे बहुत अच्छा लगता है सजाना वजाना भी। देखते हैं क्या आज कल मार्केट में कह रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं, रील्स देख रही हूँ ना तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। हर बारी मार्केट में कुछ ना कुछ नया होता है, हर त्यौहार में ही होता है खैर। और दोनों आई हूँ ना तो दोनों कह रहे हैं गोलगप्पे ले आना, और मम्मी को मैंने पूछा खाओगे, कह रही है हमारे में कहते हैं गोलगप्पे खाओ तो गला ठीक हो जाता है, डर लगता है पर कहीं ज़्यादा ना हो जाए, पर मम्मी कह रही इससे क्या होगा, कह रही खाऊंगी एक दो, तो वहाँ से लाती हूँ गोलगप्पे पैक करा के इनके। और शौर्य ने मुझे बोला साथ ही सना भी आ गई वहाँ क्लास से, मम्मा गोलगप्पे ले आना ये जा रहे हो, तो मैंने कहा चलो जी अब वहाँ चली जाती हूँ, कैप्चर जितना कर पाऊँगी करूँगी। और देखो जी शॉप आ चुकी है बिल्कुल हमारे, यहाँ भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, पहले पी लेते हैं चाय और फिर चलते हैं अंदर, और रश कम लग रहा है यहाँ तो, देख लेते हैं कुछ समझ आता है तो हो जाएगा, काम लग रहा है यहाँ पे तो। भैया दिखा रहे हैं और भैया कह रहे हैं बहुत कोई कंप्लेंट नहीं आती, बहुत अच्छी चीज़ है नॉन स्टिक का, अच्छा भैया चलो देख लेते हैं। याद आ गया कप्स नहीं है हमारे पास ना चाय वाले, ट्रांसपेरेंट भैया प्लेन देना, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं ये बोले, हम इसी में चाय पीते हैं ना तो सही रहते हैं। ये बहुत वो है, ये 4 पीस का है, ये 2 पीस का, ये डेलीकेट है भैया, ये तो ये वाले ठीक है, ये वाले देखो, और ये ना ये वाले कप्स ले लिए, ये बिल्कुल वैसे ही मिल गए, पर मैंने कहा चल सेम हो जाए, बट क्योंकि ना डिज़ाइन विज़ाइन वाले गंदे हो जाते हैं मतलब, ये अच्छे मिल गए, ये ले लेती हूँ। और कटलरी सेट जो डाइनिंग का है ना वो भी धनतेरस पे लेना भी, वैसे ये चीज़ है ना, चल देखती हूँ धनतेरस पे कुछ और देख लेंगे। यहाँ ऐसी जगह आ जाओ ना तो एक सामान चाहिए होता, देख देख के सब चीज़ें याद आ जाती है, अच्छा ये रह गया ये रह गया। बताया उस दिन ना छोड़े को टिफ़िन दिया स्कूल में सैंडविच डाल के, तो वो स्कूल ही छोड़ आया, तो याद आ गया, ये ले लेती हूँ टिफ़िन, इसमें विदाउट डिब्बी वाला है सैंडविच वैंडविच ना, तो ये सही रहते हैं। बॉयज़ वाला कलर ले लिया, रेड दे रहे थे, मैं कहीं रेड तो नहीं चाहिए, काम सारा ही हो गया, बहुत जल्दी हो गया, फटाफट काम हो गया, और डस्टबिन वस्टबिन सब मिल गए, पर कल भैया कह रहे घर भिजवा देंगे क्योंकि नई पैकिंग चाहिए थी, अभी वो गोडाउन से मंगवाएंगे, पर बहुत बढ़िया हो गया यार। तो अब चलते हैं, कहाँ चल रहे हैं, अब चल रहे हैं गोलगप्पे मैं पैक करा लूँ बच्चों के, और मुझे एक काम और था यहाँ से एल से, मुझे एक काम और था पता नहीं, गोलगप्पे तो पैक करा ही लूँ, और अच्छा पैकिंग देखनी है, वही तो मैं कहना कुछ काम से तो आई थी। अरे देख लो अभी करवा जाते हैं, चूड़ियाँ लगी हुई थी भैया ने, अब चेंज कर लिया, हेलो कर दो भैया, दिवाली की सारी चीज़ें हैं, और ये देख लो पैकिंग कितनी बढ़िया, मुझे ये बड़ी अच्छी लगी, इसमें ड्राई फ्रूट भी था, ये भी अच्छी है, अभी तो यही सोच रही हूँ यही ले लूँ। सारा सामान आ गया, और ये सबसे खुशी होने वाले हैं बच्चे मेरे गोलगप्पे खा के, रात को गोलगप्पे ही खा लेंगे, और मम्मी को भी खिलाती हूँ, मम्मी का भी दिल कर रहा था। और ये देखो ये कितने प्यारे ना रैपिंग पेपर्स मिले हैं, ये देखो ये रैपिंग पेपर्स मिले हैं, ये ना कागज़ वाले आए हुए हैं और दिए बने हुए, देख रहे हो कितने सुंदर, इसमें बहुत सारे डिज़ाइन थे, तो भैया ने वहाँ देखा मैंने 10 रुपीज़ ईच है ये, 200 में 25 पीसेज है अगर आप इकट्ठा लेते हो तो बहुत अच्छा मिल गया। और मैंने कहा भैया अब तो चाहिए मुझे काफ़ी सारे, तो स्टेशनरी शॉप पे गई थी, भैया कहते बंदरवार, मैं कहा नहीं दोबारा आऊँगी लेने के लिए,
और इतनी रौनक है मार्केट में, बहुत अच्छा लगा। पर दिवाली की शॉपिंग तो एंड पे ही दी है, बंधनवार सब कुछ एंड में बच्चों के साथ आऊँगी। सब आते हैं फिर कुछ खाते पीते हैं, मज़े करते हैं और तब। अच्छा आपसे एक बात भी करनी थी, दिवाली मना कब रहे हो आप लोग, 31st को या 1st को? हमने पंडित जी को कॉल किया था जो हमारे कॉलोनी के मंदिर के पंडित जी, उन्होंने बोला कि 31st को घर में पूजा करो और 1st को जहाँ आपका ऑफिस प्लेस है वहाँ पे पूजा करो। तो कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि कैसे, पर हम तो पूजा 31st को ही करने वाले हैं क्योंकि अमावस्या की रात को कहते हैं मनती है, तो 31st रात की पूजा और 1st को। बताना आप लोग भी कि क्या सजेस्ट करते हो। तो इस टाइम ना दुविधा में है बंदा कि कैसे क्या करे, और 1st को फ्राइडे पड़ रहा मेरा, पर कोई बात नहीं, हमारे तो दो दो दिन पूजा हो ही जाएगी लक्ष्मी जी की, क्योंकि 31st को भी मैं सोना नहीं जाने दूंगी। 31st को भी पूजा, हम जो मेन सोच है ना, हमारे पंडित जी ने तो यही गाइड किया है, तो मैंने कहा आपसे भी पूछ लूँ। तो अब चलते हैं घर, और घर चल के करूँगी सैर, कॉफ़ी पी के। लेट हो गई आज थोड़ी सी। तनिष आ गया आज सुबह से दिखाने, और तनिष मुझे लगा था तेरा एग्जाम है आज। क्या था CPR का, क्या था वो ट्रेनिंग के लिए, मतलब सीख लिया तूने वो जो तूने तेरा रह गया था ना ये CPR? हाँ, हाँ। अब अच्छे से सीख लिया, पर जब प्रैक्टिकल जब तक ना करो तब तक कैसे पता चल? किस पे करके देखा? डमी पे नहीं, अब किसी को होगा हाँ। तभी तो करूंगा, मतलब हो जाता रिवाइव। हाँ पर अगर, और ये आना चाहिए वैसे हर बंदे को ना, है ना, पता हो तो हो सकता है, और काम होके पेशेंस के साथ करना चाहिए ना। सही हो गया वो तो आज ट्रैफिक नहीं मिला। अच्छा तू तो मेट्रो पे जाता ना, नहीं तो आजकल दिवाली के लिए ट्रैफिक बहुत होगा। चलो जी रात को सोयाबीन और बच्चों के लिए गोलगप्पे लाइए, कह रहे तनिष भी खाएगा, मैं कहा नहीं खाएगा। बहुत लेट हो गया, अब खा लेती हूँ क्योंकि ना मार्केट गई, फिर आके शहर की सारे के साथ आया हूँ, खा लेती हूँ सारा गिफ्ट। डेंगू हो गया तो बड़ी अपसेट है, पर कोई बात नहीं, इस मौसम में ना हो जाता है, और बहुत ऐसा नहीं है, ध्यान रखो तो बहुत ध्यान रखो तो सौरे को भी होता है, फीवर पर बहुत फिर चढ़ता है, और वो वैसे भी काफ़ी हुआ है ना, वो है ना डेलीगेट सी, तो भी ज़्यादा फीवर था उसको, अभी का पता नहीं। गेट वेल सून बेटा, गेट वेल सून जी। शादू के सर जा चुके हैं और ये बनाना खा रहा था, मैंने कहा मत खा मत खा। क्यों? क्योंकि आपने बोले थे गोलगप्पे लाने के बेटा, तेरे को पता मैं तो सीरियस ले जाती हूँ। और ये इतनी इसको जल्दी मची हुई है ना, सौरे के सर बैठे थे, कह रही है गोलगप्पे खोल लूँ गोलगप्पे खोल लूँ। क्यों भैया? गोलगप्पों की भूख लगी है, ये यही दाल होती तो ना लगती। ओ और वो देख, वो ललचाई नजर से देख रही दादी को, तो दादी के लिए भी लाई हूँ मैं। तो दादी लेके दादी को डाल, वो पहले वो सजा रही है ना। कोई बात नहीं करने दे, मम्मी गला खराब ना हो जाए, आप जिम्मेवार हो खुद, मैं एकादा ही खाऊंगी। अपनी सवारी का जिम्मेवार खुद है यात्री। ये देख लो कैसा, तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही कि व्रत रखा हुआ मैंने, वो मेरी फेवरेट चीज मेरे सामने खा रही हो। तुम लाइक तो आज पहले था। नहीं बच्चों ने मांगा था ना, मैं तो मजाक कर, मेरा दिल नहीं करता ऐसे। दादी आज भूख लगी हो, कल खाना मिले अच्छा लगा। खा लो खा लो खा लो खा लो। शोरू कैसे मस्त, और ये आलू डालता है, सोंठ नहीं डालता, नहीं डालता ना। ये देख लो, और तनिष गया हुआ है जिम, अभी तनिष आएगा पर मिलना उससे मुश्किल हो जाएगा। मैं सोचू एंडिंग तो ले लेंगे। मम्मी खाओ ना, आपका टेस्ट के लिए बैठी हूँ। तो और ये देखो मीठा पानी, वो दिए चम्मच। मम्मी मीठा पानी लोगे कि? मम्मी को दोनों दे दिया पानी, मम्मी कह रही कहीं खट्टा पानी ना पिया जाए। चलो भैया मम्मी खा, मम्मी खा के बताओ वो देख। और मम्मी कैसे लग रहा है गले खराब में खा के? अच्छा। सही लग रहा है, गला खराब हुआ ना फिर देख लेना कितने कितने हिस्से आए तुम्हारे। बस कितने और खा सकता था? तो खा ले। उस भाई के पूरे खत्म हो गए, उसके अब गोलगप्पे बने थे, सजा रही थी वो। इतना तो वेट गोलगप्पे के सामने कभी ना हो पाए भाई। और गोलगप्पे आए तो कभी, काफी देर से मेरे को बोल रही थी, मैंने कहा नहीं पहले कुणाल को बुला लेते हैं भाई, ये तो खा लिया इन्होंने तो, डिनर हो गया इनका, तो अभी ये जिम जाने वाला था, रुके नहीं और कुणाल को आने में 5 मिनट लगे होंगे आगे। रॉकेट सिंह हूं मैं। आज का शाउट आउट जाता है मिष्टी को, उसको हमारे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, वो कहती है एंड तक बोर नहीं लगता, हमारे ब्लॉग जो देखते हैं उनको अच्छे ही लगते हैं, तो इसी के साथ एंड कर दें, तो उसे ना एंडिंग कर लो। नेक्स्ट ब्लॉग पे डू लाइक टू कमेंट सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। पीस।